अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को करते समय जो इनइक्वालिटी के रूल्स आपको बताए थे, रेसिप्रोकल का और माइनस वन की मल्टीप्लाई का, उसमें सिंबल चेंज हो जाता है, बस उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है सोल्व करते समय, याद रहे। तो इसको सोल्व करते हैं, तो सबसे पहले देखिए सबसे आसान तरीका है, एक्सपेंड कर दीजिए। एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस के 3x और 2 माइनस के 2x, ठीक है। अच्छा अब इसमें ना मैं आपको जो सजेस्ट करता हूँ, जो बेसिक क्लास में आपने ऑपरेशन सीखे थे वही मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि इसमें ना आप पहले 2 को रिमूव करें, तो 2 को हटाना हो तो माइनस 2 बोथ साइड कर दो, यही तरीका सिखाया जाता था ना पहले। हम तो क्या करते हैं, ये भी कह देते हैं कि 2 को इधर भेज दो, बट यहाँ पर इधर उधर नहीं भेजने की बजाय ना आप इसमें ये सोचा करें कि इसमें 2 को सब्ट्रैक्ट किया गया है बोथ साइड। तो अगर 2 को सब्ट्रैक्ट किया जाए बोथ साइड, हाँ कर सकते हैं आप, उधर उधर भेज सकते हो, पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई में ध्यान रखना, क्रॉस मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैं आपको इसमें बताता हूँ। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई में अगर आपने कुछ ऐसा कर दिया, मान लीजिए यहाँ पर 1 अपॉन -x है और सिंबल कुछ इस तरह से आ रहा है आपका, यहाँ पर आपका 6 आ रहा है, तो कई बच्चा अगर सोचे क्रॉस में यहाँ भेज दिया, यहाँ भेज दिया, और मतलब इसको यहाँ 6 यहाँ भेज दिया और -x यहाँ भेज दिया और सिंबल यही रहने दिया, भाई ये गलत हो जाएगा। ये गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि पहले एक तरह से आपका जो है ना ये -1 की मल्टीप्लाई हुई है दोनों तरफ, -1 की मल्टीप्लाई हुई है, तो ये सिंबल पलट जाएगा यहाँ, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि मैंने ये अक्सर गलती देखी है स्पेशली इस केस में, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में। क्रॉस में जब इधर उधर भेजते हैं ना तो माइनस की टर्म कभी क्रॉस में नहीं जाएगी, याद रखना, माइनस की मत भेजना, प्लस की भेज सकते हो क्रॉस में, रूल्स सारे चला लो, बट ये रूल ध्यान रखना कि अगर आपने माइनस भेजा है इधर क्रॉस में तो असल में आपने -1 की मल्टीप्लाई कर दी है दोनों तरफ, तो सिंबल घूम जाएगा, ये याद रखना बस, ठीक है। ये नोट करने वाली चीज है, क्रॉस में अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो और कोई माइनस की टर्म भेज रहे हो तो सिंबल घूमेगा, राइट। अच्छा तो अब यहां क्या करें आप, तो यहां पर आपने दो दोनों तरफ घटा दिया तो यहां पर आ जाएगा आपका 4। आप क्या करें, 3x को इधर भेज सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, इधर को ऐसे भेजेंगे तो ये प्लस में जाएगा, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज आपका ये क्या लिखा जा सकता है, 4 <= x, ये बन जाएगा। अच्छा यूजुअली हम क्या करते हैं, वेरिएबल को जो है लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, हमें आदत है लिखने की, तो चाहो तो आप आंसर यह छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट अगर ऐसे लिख दें तो ज्यादा बेटर हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या करा, x को इधर भेजा और 4 को इधर भेजा, ठीक है, ज्यादा बेटर करने के लिए आंसर को, वो भी ठीक है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, यू कैन लीव आंसर इन दिस, बट इट वुड रादर बेटर कि लेफ्ट साइड में आपका वेरिएबल हो और आपका राइट साइड में कॉन्स्टेंट्स हो, प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाता है। तो यहां पर हम इस क्वेश्चन को करेंगे अब, तो पहले तो देखो एक काम करा करो, एक्सपेंड कर लिया करो, या तो आप 2 को इधर भेज दो 3 को भेज दो, कर सकते हो, यहां भेजा जा सकता है क्योंकि यहां दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं। अच्छा यहां पर आप जो है इस 3 को इधर भेज सकते हो, 2 को इधर भेज सकते हो, बट अगर बाई चांस यहां -3 होता तो फिर अगर आपने -3 इधर भेजा है 2 इधर भेजा है तो ये सिंबल पलट जाएगा, क्योंकि -3 का मतलब आपने -1 की मल्टीप्लाई कर दी, तो सिंबल पलटेगा, याद रहे। तो 3 है तो कोई दिक्कत नहीं, 2 है तो कोई दिक्कत नहीं, तो 3 इधर भेज दीजिए और यहां पर एलसीएम भी ले लेते हैं साथ साथ, ये हो जाएगा आपका 5 × 20 अपॉन में 5, ठीक है, और 2 इधर भेजा हमने तो ये हो जाएगा 2x - 12, ठीक है। अब 5 भी भेज दो इधर, 5 भी भेज दो इधर, एक्सपेंड कर दो तो ये हो जाएगा 9x + 60 और 5 इधर। देखो आप सिर्फ अगेन बार बार मैं बता रहा हूं, देखिए प्लस अगर जा रहा है टेंशन मत लो, पर अगर यहां माइनस हो तो भैया सिंबल पलट देना, ये याद रखना बस, अगर माइनस का क्रॉस में भेज रहे हो तो सिंबल पलट देना, ठीक है, क्योंकि असल में ये हम करते क्या है, इसको हटाने के लिए दोनों तरफ 5 की मल्टीप्लाई करते हैं, हटाने का मतलब क्या होता है, ये ऐसे क्रॉस में ऐसे जाता नहीं है, आपने अगर छोटी क्लास पे ध्यान दिया हो कभी तो यहां पर 5 की गुणा कहेंगे ये दोनों तरफ, तो ये 5 से 5 कट जाता है। अगर यह -5 होता ना तो आप -5 की गुणा कर रहे हो दोनों तरफ, तभी सिंबल भी पलटोगे ना साथ साथ, क्योंकि माइनस की चीज की मल्टीप्लाई कर रहे हो दोनों तरफ, सब समझ में आई बात क्यों कह रहा हूं मैं ये बात।
अच्छा, तो अब अगर 5 को यहाँ भेजते थे तो ये 10x और ये आपका 60 हो जाएगा, और अब 60 को इधर भेज देंगे तो ये प्लस का 120 हो जाएगा, और ये 9 इधर भेजेंगे तो ये आपका केवल x हो जाएगा। आंसर चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो, चलो इस बार ऐसे ही छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लो ऐसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है।